हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड की बात करूँ तो 4.38 रुपये गिरावट के साथ 223.95 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। तो अभी पूरे मार्केट में गिरावट है, तो इससे घबराना नहीं। जो भी अच्छा शेयर आपको गिरावट में मिल रहा है उसको बाई कर लीजिए, क्योंकि ऊपर तो उसको जाना ही है। तो देखा जाती है अभी अशोक लेलैंड बहुत अच्छा शेयर निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखा जाती है 4.38 रुपये गिरावट के साथ 223.95 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। इसका सपोर्ट लेवल और ड्रा का सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 220 के करीब में। इसका सपोर्ट मिल रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 190 और 200 के बीच में। 190 और 200 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड कलर की लाइन जो आपको देखने को मिल रही है 200 डेज का मूविंग एवरेज, इसका सपोर्ट मिल रहा है। प्लस ये प्रीवियस सपोर्ट जो है इसका सपोर्ट मिलेगा। तो बार बार देखिए सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे भी आगे चल के मैं भी यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ रिकवरी कर सकता है। तो जैसे गिरावट हो आप उसमें दो दो दस चार चार पाँच पाँच दस दस क्वांटिटी आप ऐड करते रहिए, तो एक अच्छा खासा आपको पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है फ्यूचर में चल के, क्योंकि ये ऐसा शेयर है जो कभी आपको घाटा नहीं देगा। तो अगर यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बैक चलते हैं, तो बैक में आप देखें तो देखिए पहले इसके पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। जब रेजिस्टेंस यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट में तब्दील हो गया। अब बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ये तगड़ा सपोर्ट बन गया है। तो 190 और 200 के बीच में जैसे आता है 200 करीब में, तो आप क्वांटिटी आप उठा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो इसमें इतना ही है, इस पर नज़र बना कर रखिए। मिलता है अगले वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।